मवेशी और आप देख रहे हैं केयर न्यूज़ टीवी। केयर न्यूज़ टीवी से मैं इस वक्त मौजूद हूँ मज़ार-ए-क़ाइद पे। आज हमने एक प्रोग्राम का प्लान किया था कि कुछ वो लोग जिन्होंने नुमाया कारनामा अंजाम दिए हमारी ज़िंदगी में, जिन लोगों ने अपने बहुत से नाम कमाए, समाजी शख्सियत होने के नाते, सियासी शख्सियत होने के नाते और बहुत सारे ऐसे काम किए, तो ऐसी शख्सियत को हमने कुछ मेडल्स का इजरा किया था। इससे पहले भी हमने मेडल दिए थे। तो एक हमारी शख्सियत है हमारे दरमियान मौजूद है, खालिद नूर भाई। आज मज़ार-ए-क़ाइद पे आना भी हुआ और स्पेशली हमने अनाउंस किया था कि खालिद नूर भाई को हम एक मेडल जो है, हम गोल्ड मेडल हमने बनाया हुआ है केयर न्यूज़ की जानिब से, वो हम इनकी सामाजिक शख्सियत के हवाले से, इनका तारुफ़ ANI पाकिस्तान के हवाले से, ANI पाकिस्तान के चेयरमैन भी हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम इस मौके से फ़ायदा उठाएंगे, चूँकि वो भी पाकिस्तान की सामाजिक शख्सियत भी हैं, दीनी शख्सियत भी हैं। मैं चेयरमैन सलीम अत्तारी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी आप हमारे साथ वीडियो में आ जाएँ। और मेडल जो पहनाने का हमने जो आपसे एक अहद किया था कि जी हम न सिर्फ आपसे और हमने तमाम लोगों से जो जो लोग काम कर रहे हैं, खिदमत के काम कर रहे हैं, उस खिदमत के जज्बे को अप्रिशिएट करते हुए हमने एक एप्रिसिएशन मेडल गोल्ड की शक्ल में, और वो केयर न्यूज़ एप्रिसिएशन मेडल है बेस्ट परफॉर्मेंस। आपको हम देखते हैं माशाल्लाह से, आप पानी में, बरसात में, गंदे नाले के लिए हर जगह आप न सिर्फ गुलबर्ग स्क्वायर में, ज़िला बस्ती में आपकी खिदमत जो है काबिले तहसीन है। इसी खिदमत के सिले में केयर न्यूज़ की जानिब से हम एक हकीम साहब को मेडल पहनाने जाएंगे। मैं अपने सीनियर जो हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और हमारे केयर न्यूज़ के भी सीनियर हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने दस्ते मुबारक से और सलीम भाई का हाथ भी लगा दें और हम भी। तो ऐसे गफार भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं, ऐसे गफार भाई आप आइए और मेडल अपने दस्ते मुबारक से पेश कीजिए। बहुत शुक्रिया ऐसे गफार भाई, आप भी मौजूद रहिए वीडियो में। क्या कहना चाहेंगे, आपकी समाजी हैसियत से, समाजी हैसियत के हवाले से हमने लिया है, क्योंकि आप माशाल्लाह से दीनी तंजीम में भी हैं, सियासी तंजीम तो नहीं कहूँगा मैं, उसके नहीं एक दीनी तंजीम है, प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप समाजी कामों में ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ना सिर्फ अपने गुलबर्ग स्क्वायर ब्लॉक 16 के हवाले से, यानी कल मैं देख रहा था आप सोए नहीं, एक मसला था बहुत दूर का एक मसला था लेकिन आपने वो भी हल किया, और भी कोई मसले मसाइल आ जाते हैं आप अपनी रातों की नींदें आराम कर देते हैं, तो आप इस हवाले से क्या करें, ये हमारी तरफ से एक हकीम सा नजराना है आपके लिए, जो आपको केयर न्यूज़ की मोहब्बत और खलूस का, क्योंकि आप केयर करते हैं, हम हर एक उस शख्स की केयर करते हैं जो केयर करने वाला है। तो खालिद भाई आप क्या कहेंगे इस मौके पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं जिस जगह खड़ा हुआ हूँ, मेरी खुश नसीबी है कि बाबा कौम मज़ार के हाथ में आज 14 अगस्त 2020 में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बावजूद अल्लाह तबारक ताला नबी पाक के सदक़े में हम मज़ार शरीफ के हाथ में मौजूद हैं। मज़ार शरीफ पे फातिहा खानी में कि हमने सलीम अत्तारी भाई देर गया। मैं केयर न्यूज़ ने जो मेरे लिए सामाजिक खदमात के हवाले से जो अल्फाज बोले, मैं इसमें मशहूर और ममनू हूँ। मैं नाचीज का इंसान हूँ और गफ्फार भाई जैसे सीधे लोगों के हाथों पर ये मेडल पहन के अल्लाह तबारक ताला का शुक्रिया अदा करूँगा कि अल्लाह तबारक ताला मेरे जैसे नाचीज इंसान जिसकी कोई ज़ाती वो नहीं है, लेकिन आपके करम से नबी पाक के सदक़े में ये मामला हो रहे हैं, शुक्र अदा करूँगा। सामाजिक खदमात के हवाले से एज आ पाकिस्तानी, एज आ मुसलमान, एज आ सिटीजन हमारा फ़र्ज़ बनता है दुखी इंसानी की खिदमत करना। अपने लिए तो हर इंसान जीता है, दूसरों के लिए जीना सीखे। और हालिया बारिशें हों, सैवेज का निज़ाम हो, या कोई मामला तो पानी के से लेकर के इलेक्ट्रिक है, मैं आज के दिन 14 अगस्त 2020 के दिन बाबा कौम के मज़ार के आते अल्लाह और रसूल का वास्ता देता हूँ सुप्रीम कोर्ट, मुसल्ला अफवाज और पाकिस्तान के चाहने वाले आगे आए, मुल्क की सलामती के मामला के साथ साथ माशी मामला, जब कराची तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। खुदारा कराची को संभालें, कराची में कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, ना बल्दियाती निज़ाम, ना किसी तरह निज़ाम, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फजल से ही चल रहे हैं। तो मेरी ये उम्मीद है कि 2020 में बल्दियाती निज़ाम आएगा, अच्छे मामला होंगे, मुल्क के लिए, शहर के लिए हम सब खिदमत कर सकेंगे और आज के दिन पाकिस्तान
जो रहती दुनिया तक टाइम टाइम रहा है बैठ करके जाऊँगा। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ और मेरी पूरी कौम और इस मुल्क के भाग दौड़ करने वाले लोग ये अहद करेंगे कि इंशाल्लाह ताला ये रहती दुनिया तक कायम रहेगा। कश्मीर जो हिंदू बनियों ने और जिस तरह इंडिया मजालिम कर रहा है, इंशाल्लाह ताला 2021 में रब ताला ने चाहा तो बाबा कौम जिला रहमतुल्लाह अलैह के मदार पे लोग 2021 में इंशाल्लाह ताला मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा, जो कि नक्शे में आ चुका है, अमली तौर पे भी हिस्सा होगा। और मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, डॉक्टर यामिन कुरैशी आपका, अफ़ार साहब का, हम्माद भाई का, फरीद भाई का और बिलखसूस अपने चेयरमैन ए नई पाकिस्तान सलीम अतारी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने भी ये चीज़ को इज्जत बख्शी। ज़्यादा गल्ला अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, यकीनन आप काबिल तहसीन हैं, आपके इकदाम इंशाल्लाह आपकी तमन्नाएं और नेक तमन्नाओं के साथ इंशाल्लाह अज़ीज़ हम बहुत जल्द जिस तरीके से हमारे चीफ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऐलान जो इन्होंने इकदाम किया नक्शे में जो है कश्मीर को लेकर आए, इसी तरह इंशाल्लाह हम उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह अज़ीज़ हम जो जम्मू कश्मीर है उसको भी हम वहाँ तक हमारी रसाई होगी, हमारी अफवाज वहाँ होगी और इंशाल्लाह वहाँ के लोग भी मज़ारे कायद पर आकर इंशाल्लाह अज़ीज़ ये मनाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, केयर करते रहें अपनों की और अपने से वाबस्ता तमाम लोगों की, बहुत शुक्रिया।